ऐसे समय में जब महिलाओं के अधिकार लगभग ना के बराबर थे, एक महिला खड़ी हुई और अपनी आज़ादी के लिए लड़ी। वह महिला रुकमा बाई थी। बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई और महिला की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए लड़ी। रुकमा बाई का जन्म 22 नवंबर 1864 को महाराष्ट्र के एक छोटे से परिवार में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। जब रुकमाबाई 8 साल की थी तब उनकी माँ जयंतीबाई ने दूसरी शादी कर ली। उनके सौतेले पिता सखाराम अर्जुन एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थे। हालांकि उनके पिता की मृत्यु उनके बचपन का सबसे बड़ा दुख था। 1864 में भारत में जन्मी रुकमाबाई की शादी 11 साल की उम्र में ही करा दी गई थी, लेकिन उत्पीड़न की जिंदगी जीने की बजाय उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखने और डॉक्टर बनने का फैसला किया। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने दृढ़ संकल्प और लचीलेपन ने अनगिनत महिलाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। अपने सौतेले पिता से प्रेरित होकर रुकमाबाई ने मेडिसिन में अपना करियर बनाने का फैसला किया। 1889 में वे लंदन चली गई और लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर वुमन में पढ़ाई करी। भारत लौटने के बाद रुकमाबाई ने बम्बई की चिकित्सा का अभ्यास करा। कुछ समय बाद उन्होंने सूरत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद संभाला। वह 1917 तक सूरत में काम करती रहीं। 1918 में उन्होंने राजकोट के जनाना अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम करना शुरू किया। विरोध और आलोचना का सामना करने के बावजूद रुकमाबाई अपने विश्वास पर दृढ़ रहीं। वह सीमाओं को लांघती रहीं और यथास्थिति को चुनौती देती रहीं। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि एक व्यक्ति बदलाव ला सकता है और एक आंदोलन को जन्म दे सकता है। उनके पति के वैवाहिक अधिकारों के दावे के खिलाफ रुकमाबाई की जबरदस्त कानूनी लड़ाई ने महिलाओं के अधिकारों को एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी और विधायी सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। उनके साहस और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा का प्रतीक बना दिया। उनकी कहानी याद दिलाती है कि एक व्यक्ति का साहस इतिहास की दिशा बदल सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक प्रेरक कहानी और नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।